देवास रोड अभिलाषा कॉलोनी के सामने नगर निगम द्वारा 3 मकानों को बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया, जिसके चलते यहां रहने वाले रहवासियों में आक्रोश का माहौल है। गुरुवार शाम करीब 5 बजे नगर निगम की टीम द्वारा अभिलाषा कॉलोनी के सामने 3 अवैध मकानों को तोड़ दिया गया। मकान मालिक निर्भय सिंह कीर, हरि सिंह कीर, लखन सिंह कीर ने बताया कि नगर निगम ने बिना नोटिस दिए यह कार्यवाही की। हमारे द्वारा विरोध करने पर महिला पुलिसकर्मियों ने मारपीट भी की एवं निगम द्वारा एक बकरी पर भी गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे बकरी की मौत हो गई। आपको मकान तोड़ने से पहले कोई नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया। कोई नोटिस नहीं दिया? आपके ये मकान तोड़ने के बाद कोई रहने की व्यवस्था का बोल के गए या कुछ नहीं बोला? कुछ भी नहीं बोला। बोला ही नहीं कि कहाँ पे रहना, वो छांव में बोले कि छांव में बर्तन रख दो तुम्हारे, या इधर किधर भी पटक दो। वो बड़ा अधिकारी आया था, उसने बोला कि कहीं भी पटक दो, ऊपर से आधे से हमारे साथ हमारे एकदम कुछ नोटिस नहीं दिए, एकदम सामान घर तोड़ने लग गए और हमको मारपीट भी करी सर मुझे मैडम। किसने मारा पीटी करी? लेडीज पुलिस ने। लेडीजरी दो लेडीज ने मुझे बहुत मारा, मेरे छोटे छोटे बच्चे को भी मारा और बाहर फेंक दिया उठा के रोड पे उनने, और बोले के कहीं भी निकल जाओ और कुछ नहीं मिलेगा तुमको, बोले हमको आदेश से आदेश। क्या मामला है, पूरा मामला बता। यह ग्राम पंचायत की जमीन है और यह नहीं, पटवारी को सूचना नहीं है और सरपंच सचिव को भी सूचना नहीं है और इनको कोई नोटिस नहीं दिया और अचानक आके कार्रवाई करी और इनके मकान तोड़ दिए। कितने साल से निवासी हैं? करीबन 30-40 साल से रह रहे हैं, 40 साल से। और इनको कोई सूचना नहीं दी, उनके पास रहने की, वो सब मजदूरी करते हैं ये, और रहने की जगह नहीं और अचानक आके इनके सब छोटे छोटे बच्चे और पूरे मकान तोड़ दिए।